तो आ गए आप लोग, तो मैं आज आपके लेके आया हूँ नेटफ्लिक्स के पांच कुछ फेमस कुछ सबसे ज्यादा देखे वाले सीरीज के बारे में। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों में से जो जो भी हॉरर मूवीज देखने के शौकीन है, मेरे चैनल पे वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड फिल्म की लिस्ट अवेलेबल है। आप चाहे तो ऊपर आई बटन में लिंक फ्लैश हो रहा है या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे सीरीज के पांच नंबर पे जगह बना ले 2020 में आई सीरीज लॉक एंड की। ये असल में एक अमेरिकन हॉरर ड्रामा सीरीज है। मैं अगर आपको इस सीरीज के थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूं तो यहाँ पे एक ऐसा घर है जिसका नाम है की हाउस। तो इस घर में कुछ ऐसे मैजिकल्स की है जो आपको विस्फर करके उनका ठिकाना आपको बताएंगे। तो यहाँ पे तीन भाई बहन है जो इन की को ढूंढने में लग जाते, लेकिन इन की को ढूंढते ढूंढते एक डिमोनिक एंटिटी से इनकी मुलाकात हो जाती है और वो डिमोनिक एंटिटी इनको मारने की कोशिश में लग जाती है। अब कैसे ये तीनों भाई बहन उस डिमोनिक एंटिटी को हराएंगे और की पावर को असल में अच्छे तरीके से यूज कर सकेंगे, ये जानने के लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपको इस सीरीज के टोटल सीजन के बारे में बताऊं तो यहाँ पे दो सीजन अवेलेबल है और हाल ही में इसका दूसरा सीजन रिलीज हुआ है। It's time to finish what I started. You ready? Yeah. अब हम हमारे लिस्ट के चार नंबर पे आ गए हैं और चार नंबर पे जगह बना लेता है 2017 में आई ब्लॉकबस्टर सीरीज नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट नेटफ्लिक्स के कुछ ब्लॉकबस्टर सीरीज में से एक है जिनको वर्ल्ड में कौन ही नहीं जानता होगा। तो अगर मैं आपको इस सीरीज के थ्रू इन्फॉर्मेशन दूं तो यहाँ पे एक ऐसा चोरों का दल है जो बहुत ही चालाक होते हैं और यहाँ पे वो नामुमकिन से चोरी अंजाम देते हैं और यहाँ पे इनका एक मास्टर माइंड है जिसका नाम है प्रोफेसर। प्रोफेसर को अलग से इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं आपको इस मूवी के टोटल सीजन के बारे में बताऊँ तो इसका चार सीजन रिलीज हो चुका है और पांचवा सीजन इसी साल ही रिलीज हो गया है और सीजन 5 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, लेकिन वॉल्यूम 2 दिसंबर में ही रिलीज होगा इसी साल। तो अब हमारे लिस्ट पे तीन नंबर पे आ जाते हैं। तो तीन नंबर पे आ जाता है लूसीफर। लूसीफर मेरी देखी हुई नेटफ्लिक्स कुछ बेहतरीन सीरीज में से एक है। तो मैं अगर आपको लूसीफर सीरीज के बारे में थोड़ा बताऊं तो यहाँ पे बाइबल की जो कहानी है उसको ही थोड़ा मॉडर्न तरीके से हमको दिखाया गया है कि कैसे लूसीफर हेवन से हेल भेज दिया जाता है और उसके बाद लूसीफर हेल में पक जाता है, इसलिए वो लॉस एंजलिस आ जाता है अपनी वेकेशन मनाने के लिए। लेकिन वहाँ पे आके उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन गॉड वहाँ पे खफा हो जाते हैं क्योंकि वो अपने हेल का काम छोड़ के यहाँ पे गटर मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पे लूसीफर के भाई को डील को भेज दिया जाता है लूसीफर को वापस लेने के लिए, लेकिन लूसीफर नहीं जाता है क्योंकि लूसीफर को यहाँ पे हो जाता है एक लड़की से प्यार। अब लड़की का नाम क्या है और लड़की कौन है ये जानने के लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को आप देखें, ये सीरीज बहुत ही अच्छी सीरीज है। तो अगर मैं आपको इस सीरीज के टोटल सीजन के बारे में बताऊं तो यहाँ पे इसका 6 सीजन अवेलेबल है। तो पहला सीजन 2016 में रिलीज हुआ था और लास्ट सीजन का लास्ट एपिसोड 2021 में रिलीज हो चुका है। आप चाहो तो नेटफ्लिक्स में जाके देख सकते हो। तो अब हम हमारे लिस्ट पे दो नंबर पे आ जाते हैं और दो नंबर पे आ जाते हैं सेक्स एजुकेशन, जो नेटफ्लिक्स से कुछ ज्यादा ही पॉपुलर सीरीज में से एक है। तो मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में आप लोगों को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडियंस तो देख ही लेंगे, एजुकेशन के लिए नहीं सेक्स के लिए तो देखेंगे ना। लेकिन सीरीज बहुत ही अच्छी है और मैं अगर आपको इस सीरीज के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूं तो यहाँ पे दो दोस्तों की कहानी को दिखाया जाता है कैसे वो अपनी टीनेजर्स लाइफ को हैंडल करते हैं। तो अगर मैं आपको इस सीरीज के टोटल सीजन के बारे में बताऊं, इस सीरीज के टोटल तीन सीजन अभी तक रिलीज हो चुका है। तो अगर आप टीनेजर हो तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सीरीज देखने के लिए एजुकेशन लेना, सिर्फ सेक्स नहीं देखना, ठीक है। अब हम हमारे लिस्ट के एक नंबर पे आ चुके हैं। तो एक नंबर पे आ जाता है अब तक की सबसे ज्यादा देखने वाली सीरीज नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम। तो स्क्विड गेम की स्टोरी कुछ इस तरह है कि यहाँ पे तो 456 ऐसे गरीब लोगों को चुन के लिया जाता है जो कर्ज के तले डूबे हुए हैं। तो वो लोग अपने कर्ज मिटाने के लिए 6 गेम्स उनको खेलना पड़ेगा और अगर वो 6 गेम्स जीत जाते हैं तो उनको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। लेकिन पैसे तो ऐसे ही पेड़ पे नहीं उगते ना, तो यहाँ पे तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उनको। तो अगर आप किसी गेम में हार जाते हो तो आपको एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी और वो कीमत है अपनी जान देके। हाँ, और अगर आप इस खेल में किसी गेम में हार जाते हो तो आपको अपनी जान देनी पड़ेगी। तो कौन ये 6 गेम जीत के वो पैसा लेके जाता है ये देखने के लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी और ये सीरीज मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप इस सीरीज को जरूर देखें। और मैं अगर आपको इस सीरीज के टोटल सीजन के बारे में बताऊं, एक ही सीजन रिलीज हुआ है इसी साल। एदर गेम कुछ पान सुने है तेरा बुजुर्ग को नहीं दे चुके निका बुजुर्ग सुरो बुजुर्ग सुरो सासा
तो अभी तक वीडियो देख रहे हो ना तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो नीचे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, जय हिंद।